إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ أجبوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هرتريكي تعريف उस अल्लाह उसबूलमीन के लिए लायक और जेबा है जो सारे ज़हान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है राजिक है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनत का निज़ाम चला रहा है बाद उसके तमाम नबियों और रसूलों पर दरुद व सलाम नाजिल हों खूा आखिरी नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ी सल्ला वसम पर मोहतरम हाज़रीन हमारा ये आकदा है कि एक दिन सारे के सारे इंसान जानवर चरिंद, परिंद तमाम मखलूक़ मर जाएंगे और फिर अल्लाह तबार को ताल हिसाब व किताब के लिए महसर क़ायम करेगा जिसको शरीयत में यौमुद्दीन कहा जाता है जजा और सज़ा का दिन अल्लाह ताला उस दिन नेक लोगों को इनामात से नवाजेगा और बुरे लोगों को अल्लाह तबार व तआला सजाएँ देगा नेक लोग जो इनामात से नवाजे जाएंगे उनके ताल्लुक़ से इससे पहले तफसील से बात हो चुकी है वो कौन लोग होंगे जो मैदान मशर में जलील और रसवा होंगे और खसारा पाने वाले होंगे आज उनकी तफसील आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए जो मैदान मशर में इज्जत पाने वाले हैं और उन लोगों में से ना बनाए जो मैदान मशर में जलील और रसवा होने वाले हैं आइए मैं आपको बताऊं कि मैदान महशर में कौन लोग जलील और रसुआ होंगे सबसे पहले काफिरों के ताल्लुक से कि ये लोग इंतहाई जलील होंगे रसुआ होंगे खसारे में होंगे अल्लाह तबारक तआला ने इनके ताल्लुक से कुर मजीद में बहुत सारी आयतें उतारी हैं जिसमें से कुछ आयतों को मैं आपके सामने पेश करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया यौमयुखरजु नजदा से सिरा जिस दिन लोग अपने क़बरों से सुरात के साथ जल्दी जल्दी उठेंगे का अन् हम इला नस्मी यू एक निशान की तरफ लोग दौड़ते जा रहे होंगे खाशियतन अबसार हम तरहक हम उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी और उनके ऊपर ज़िल्लत और रसवाई छाई हुई होगी वो काफिर लोग होंगे अल्लाह ने फरमायाकल यूमुल लजी कानू यू यही वो दिन है जिस, जिसका उनसे वादा किया जाता था यानी बताया जाता था कि इंसान मर जाएगा मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा हिसाब व किताब होगा बार, बार बार बताया जाता था लेकिन लोग नहीं मानते थे जय लिकल कानू यू यही वो दिन है जिसका वादा किया गया था बताया गया था लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं माना दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वजू हुई दिन जिम्बासी उस दिन उनके चेहरे बेरौनक होंगे उनके चेहरे सियाह हो जाएंगे उनके चेहरे जलील होंगे रसवा होंगे वजू हुई यऊ जिम्बास तजन्न आला बिहा और उनको यकीन हो जाएगा कि आज उनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला होगा क्यों इसलिए कि जिन चीजों का इनकार करते थे वो सब उनके सामने होगा महशर कायम की जाएगी हिसाब किताब होगा जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा कुफारो मुशरिकीन जी ही जी में सोचेंगे मन ही मन में सोचेंगे कि आज उनकी कमर तोड़ दी जाएगी आज उनके साथ बहुत बुरा मामला किया जाएगा तजन्नआुफ़ अला बिहा फाकिरा वो समझ जाएंगे कि आज उनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला होगा यौमा यज्ज ि यह दही और उस दिन ज़ालिम अपने हाथ को चवाएगा जब इंसान बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता है जब इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबतें और परेशानियाँ आती हैं तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है अल्लाह तबारक वाली ने ज़ालिमों का ज़ालिमों का वो अंजाम बयान किया कि उस दिन ज़ालिम अपने हाथ को चबाएगा यकूल या लई तखस्तु तखस्त रसूल सबीला और उस दिन वो कहेगा काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता रसूल बताते रहे रसूल समझाते रहे लेकिन हमने रसूल की बात नहीं मानी उस वक्त महशर के मैदान में उसको एहसास होगा और वो अपने आप पर मलामत करेगा काश मैंने रसूल का रास्ता अपना लिया होता या वई लता लई तनी लम अखिस फुलानन खलीला, हाय मेरी तबाही हाय मेरी बर्बादी काश मैं फला आदमी को अपना दोस्त ना बनाया होता इंसान दोस्ती में अच्छा करता है इंसान दोस्ती में बुरा करता है दोस्तों को खुश करने के लिए इंसान गुनाह का काम करता है लेकिन वहाँ अफसोस करेगा आ काश मैं बुरे लोगों को अपना दोस्त ना बनाया होता नबी के रास्ते को अपनाया होता अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर फरमाया फरमायाउमा कद्दमत मऊदम उस दिन इंसान वो तमाम आमाल देख लेगा जो उसने किया है अगर नेकी की है तो उसके सामने नेकियों का ढेर होगा अगर गुनाह का, का काम किया है तो उसके सामने गुनाहों का ढेर होगा युमात यदा उस दिन इंसान जो कुछ भी किया है अपने सामने उसको मौजूद पाएगा वो यकोल काफिर लई तनी कुंतु तुराबा और उस दिन काफिर कहेगा आकाश में मिट्टी हो जाता आकाश में मिट्टी हो जाता जमीन फट जाती मैं धंस जाता यह हिसाब व किताब का दिन ना देखना पड़ता लेकिन उस दिन अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा यौमा यकूल यौमा यकूल यकूल उल या लई तनी उस दिन कहेगा आकाश मैं नबी के रास्ते को अपनाया होता मैं फला को दोस्त ना बनाया होता यउमा यंजुरमरुमा कदमत यदा व यकुल काफिर उ लई तनी कुंतु तुराबा और काफिर कहेगा ए काश में मिट्टी हो जाता यही नहीं बल्कि हम जानते हैं जो काफिर हैं वो कभी कभी नेक काम भी करते हैं इंसानियत का काम करते हैं लेकिन ये इंसानियत का काम उनको दुनिया में फ़ायदा देगा आखरत में उनको कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है उनकी नेकियों को अल्लाह तबाह व बर्बाद कर देगा अल्लाह तबार को तला ने फरमायादी कफरू बिआयात भी मोलिकाई यही काफिर लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया उलाईकफर आयात रब यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया व लाई और मुलाकात का इनकार किया यानी कयामत कायम नहीं होगी हमें रब के सामने हाजिर नहीं होना होगा दुनिया में इसका इनकार करते रहे फत आमाल उनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे दुनिया में जो उन्होंने नेक काम किया है लोगों के लिए तालीम का तालीमी सेंटर बनाया हेल्थ सेंटर बनाया इंसानियत की ख़िदमत की लेकिन क़लिमा नहीं पढ़े कुफ्र में रहे उनकी ये नेकियां दुनिया में उनको फ़ायदा देंगी वो तरक्की करेंगे खूब खूब तरक्की करेंगे और मुसलमान उनको देख कर अफसोस करते हैं कि ये कुफ़्र पर होने के बावजूद इतना तरक्याँ करते हैं क्यों नहीं करेंगे अल्लाह ने उनकी नेकियों का बदला उनको दुनिया में दे दिया है अल्लाह क़यामत के दिन फ़हाबितमाल उनके आमाल बर्बाद हो जाएंगे फला नयामती वजना क़यामत के दिन हम उनके लिए कोई वजन कायम नहीं करेंगे यानी उनके सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे जैसा कि सूरह काफ में अल्लाह ने फरमाया इसी तरीके से अल्लाह तरमाया सुर फुर्कान में वह ना इला ما عملوا من عمل उन्होंने जो कुछ भी अमल किया है हम उनके अमल की तरफ जाएंगे और उनके अमल को गंदा बना करके हवाओं में उड़ा देंगे यानी काफिर का कोई भी नेक अमल कयामत के दिन कोई फायदा नहीं पहुँचाएगा इस तरीके से वो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे आज हमको मिटाने के लिए आज हमको नीस्त नाबूद करने के लिए आज हमारी हस्ती को दुनिया से मिटाने के लिए ये लोग आपस में दोस्तियां करते हैं आपस में एक दूसरे का ताउन करते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया, कयामत के दिन ये आपस में लड़ जाएंगे अल्लाह ने फरमाया उमई दिन लिबाज़िन अद मुतिन क़यामत का वो मंज़र होगा ये दुश्मन आपस में लड़ेंगे वो कहेगा तू गलती किया है वो कहेगा तू गलती किया सब आपस में लड़ जाएंगे सब आपस में दुश्मनियाँ कर लेंगे मुत्तकीन मगर मुत्तकी लोग आपस में दुश्मनी नहीं करेंगे मोमिन लोग आपस में दोस्त ही रहेंगे इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक तआला ने मुनाफिक और रियाकारों के बारे में फ़रमाया कि ये भी जलील और रसवा होंगे काफिरों के बाद एक तबका है जिसको मुनाफिक कहते हैं हमारे साथ आता है तो अपने आप को मुसलमान कहता है और उनके साथ जाता है तो उनकी करता है ऐसे बहुत सारे लोग मैं बताता रहता हूँ पहले भी थे आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं कल अपने आप को कुछ और कहने वाले आज अपने आप को कुछ और कह रहे हैं उनके आने से हमें कोई खुशी नहीं थी उनके जाने का हमें कोई गम नहीं है अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है जिसे चाहता है गुमराह कर देता है ऐसे हजारों लोग आए और चले गए इस्लाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऐसे लाखों लोग आएंगे और चले जाएंगे इस्लाम पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ऐसे लोगों को शरीयत में मुनाफिक कहा जाता है हमारे पास आते हैं तो हमारी वाली करते हैं उनके पास जाते हैं तो उनकी वाली करते हैं ऐसे मुनाफिकिन और रियाकार कयामत के दिन अल्लाह ताला इनको जलील और रस्वा करेगा अल्लाह तबार को तरमाया जिस दिन अल्लाह तीन पिंडली को खोलेगा और लोगों को सजदे के लिए बुलाया जाएगा फला फलाय तो वो सजदा नहीं कर सकेंगे उसकी ताकत नहीं रखेंगे सही बुखारी की हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला तवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला अपनी पिंडली को खोलेगा मोमिन लोग सजदे में गिर जाएंगे लेकिन जो मुनाफिक होंगे जो रियाकार होंगे जो लोगों को दिखाने के लिए सजदा करते थे शोहरत के लिए सजदा करते थे फला ओन वो सजदा नहीं कर सकेंगे सजदा करने के लिए इंसान को पहले गर्दन झुकानी पड़ती है फिर कमर झुकानी पड़ती है फिर पैरों को मोड़ना पड़ता है क़यामत के दिन मुनाफिकों रियाकारों को अल्लाह तबारक वाले उनके बदन को तख्ते की तरह बना देगा वो सजदे में जाना चाहेंगे तो मुंह के बल गिर पड़ेंगे ये जिल्लत और रुसवाई होगी और तमाम महशर के मैदान में मौजूद सारे लोग देखेंगे कि ये लोग सजदा करते थे लोगों को दिखाने के लिए ये मुनाफिक लोग हैं अल्लाह तबारक उनको जलील और रुसवा करेगा इसी तरीके से बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं कि महशर की रसवाई जहन्नम की हौलनाकी ये काफिरों के लिए है मैंने इससे पहले भी ये बात बताई थी कि ये हमारी खाम ख्याली है ये हमारी गलत फहमी है जो लोग ये सोचते हैं कि महशर की रसवाई काफिरों के लिए है जहन्नम हाँ की हौलनाकियाँ काफिरों के लिए हैं वो अपने अकीदे की असलाह कर लें मोमिनों में मुसलमानों में बहुत सारे लोग होंगे जो महशर के मैदान में जलील होंगे और बहुत सारे होंगे जिनको जहन्नम की हौलनाकियों से गुजरना पड़ेगा वो कौन लोग होंगे बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक ने और दौलत से नवाजा लेकिन उसका ज़कात नहीं अदा करते हैं सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स को अल्लाह ने सोना और चांदी दिया है सोने चांदी का जकत नहीं निकालता है कयामत के दिन वो सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाई जाएंगी, उनको आग में गरम किया जाएगा और सोने और चांदी की तख्तियों से उसकी पेशानी को दागा जाएगा उसके पहलुओं को दागा जाएगा उसकी कमर को दागा जाएगा जो लोग सोने और चांदी रखते हैं और निसाब तक पहुंच चुके हैं चाहे वो मर्द हों या औरतें उनको साल में निसाब में पहुंचने के बाद ज़कात निकालना वाजिब है फर्ज है जो लोग ज़क़ात नहीं निकालते हैं क़यामत के दिन यही सोना यही चांदी उनके लिए वह जान हो जाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पचास हजार साल तक उसको ये सज़ा दी जाती रहेगी यहाँ तक कि इंसानों के दरमियान फैसला हो जाएगा क़ाना ना हो हमसी क़यामत का वो एक दिन पचास हजार साल के बराबर होगा पचास हजार साल तक सोने और चांदी की तख्तियां बना करके उसकी पेशानी को उसके कमर को उसके पहलुओं को दागा जाता रहेगा साहब इक्राम ने पूछा किया अल्लाह के कि रसूल ऊंटों के बारे में आपका क्या हुक्म है कहा ऊंटों के बारे में भी यही हुक्म है अगर किसी के पास ऊँट साहेब ऊँट हैं और वो साहेब निसाब हैं ऊँट निसाब को पहुँच चुके हैं और उनकी जक़ात नहीं निकालता है तो कयामत के दिन एक चटियल मैदान में उसको मुँह के बल लेटा दिया जाएगा और ऊंट पहले से ज़्यादा मोटे और तगड़े हो जाएंगे उसमें से कोई भी ऊँट गायब नहीं होगा वो ऊँट अपने मालिक को रोंते हुए गुजरेंगे उसको काटेंगे और ये आ, ये अजाब पचास हजार साल तक होता रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसला कर देगा साहब कर राम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल गाय और बकरियों के बारे में क्या ख्याल है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया गाय और बकरियों का भी यही मामला होगा जिसके पास गाय और बकरियाँ हैं और वो निशाब को पहुँच गया है उनकी जक़ात नहीं निकालता है तो उसको चटियल मैदान में लिटा दिया जाएगा गाय और बकरियां पहले से ज्यादा मोटी तगड़ी होकर के अपने उस मालिक को रो देंगी अपने सींगों से मारेंगी और पचास हजार साल तक ये अमल जारी रहेगा यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा अल्लाह के वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल घोड़ों के बारे में क्या ख्याल है आपने फरमाया घोड़ों का भी यही मामला होगा जो लोग भी जक़़त नहीं निकालते हैं वो ये सुन लें क़यामत के दिन महशर के मैदान में उनको जलील और रस्वा होना पड़ेगा और वो ज़िल्लत और रस्वाई कैसी होगी मैंने आपके सामने बयान कर दिया बहुत सारे लोग गरीब होते हैं मिस्कीन होते हैं शरीयत में इजाजत है अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा गरीब और मस्किन है तो दूसरों के सामने हाथ फैला सकता है मांग सकता है लेकिन बेहतर यह है कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने के बजाय अल्लाह के सामने हाथ फैलाए अल्लाह से मांगे अल्लाह तबार व तआला रास्ते निकालता है लेकिन कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि किसी इंसान के सामने हाथ फैलाना पड़ता जायज़ है लेकिन बाज लोग पेशावर गदागर होते हैं आप देखेंगे उनको दो या ना दो वो हमेशा मांगते ही रहेंगे आपको मस्जिदों के सामने दरवाज़ों पर मिलेंगे मंदिरों के सामने मिलेंगे गिरजाघरों के सामने मिलेंगे चौराहों पर मिलेंगे नुक्कड़ों पर मिलेंगे आपके घरों के दरवाज़ों पर जाएंगे। मांगना उनकी आदत हो गई है इसको हम मामूली समझते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी मुस्लिम की हदीस है हजत तआला अबिन हदीस के रावी हैं कहते हैं अगर कोई शख्स किसी के सामने सवाल करता है और सवाल करना उसकी आदत हो गई है मांगना उसकी आदत हो गई है क़यामत के दिन महशर के मैदान में इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा और एक रवायत में है अल्लाह के नबी नबीम ने फरमाया उसके चेहरे पर खराशें होंगी खून निकल रहे होंगे और एक रवायत में अल्लाह के नबी नबीम ने फरमाया कि लोगों के सामने सवाल करने वाला पैसा ज्यादा जमा करने के चक्कर में लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला इन नमा युजर जुरूफी बतनी ही नारा वो सिक्के नहीं मांगता है वो आग के अंगारे मांगता है और अपने पेट में वो अंगारे भर रहा है हमारे दरमियान कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आदत हो गई है मांगते रहना मांगते रहना मांगते रहना आज दुनिया हंस रही है कि सबसे ज्यादा मांगने वाले मुसलमानों में है आखिर वजह क्या है उनको ये मालूम होना चाहिए क्यामत के दिन की जिल्लत और रसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे उनके चेहरे का गोश्त खत्म हो जाएगा उनके चेहरों पर खराशें होंगी वो पैसे और सिक्के नहीं मांग रहे हैं अपने पेट में आग के अंगारे भर रहे हैं इसी तरीके से बाज लोग जालिम होते हैं भाई का हक दबा लिया बहन का हक दबा लिया पड़ोसी का हक दबा लिया दोस्त का हक हाँ दबा लिया इसकी जमीन पर कब्जा उसकी जमीन पर कब्जा खेतों में खलियानों में घरों में दुकानों में हर जगह कब्जा कभी कभी अपने पावर की वजह से करता है कभी अपने पैसे की वजह से करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बालिश एक बालिश अगर एक बालिश जमीन हम छोड़ देंगे तो हमारा घर बिगड़ नहीं जाएगा और अगर एक बालिश जमीन हमने बढ़ा लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती लेकिन हम लोगों ने इसको मामूली समझ लिया खेती वाले दूसरे का खेत काट काट करके बड़ा कर लेते हैं घर बनाने वाले दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं अल्लाह के नबी ससर फरमाए एक बारिश एक बारिश और एक रवायत में है थोड़ी सी जमीन भी अगर किसी ने जुल्मन किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया प्यारे नबी ससन फरमाते हैं कयामत के दिन सत्तर जमीनों का सात जमीनों का तोक पहनाया जाएगा सात जमीन और सात आसमान हैं एक बालिश जमीन के लिए हम मर रहे हैं सात जमीनों का तोक पहनाया जाएगा मोहद्दिन ने इसकी तशरीह की है कि उसको सात जमीनों के नीचे धंसा दिया जाएगा क्या मर रहे हैं एक एक बालिश जमीन के लिए जरा गौर करो और ये सब फितने हमारे अंदर हैं ये सब फितने मुसलमानों में हैं हम समझते हैं कयामत की हौलनाकी काफिरों के लिए जहन्नम की हौलनाकियां काफिरों के लिए हैं क्या क्या होगा एक बारिश जमीन पर कब्जा करने वाला सात जमीनों के नीचे धसाया जाएगा सात जमीनों का तोक पहनाया जाएगा सही बुखारी की हजदीस है इसी तरीके से बाज लोग अपनी ताकत का अपनी खानदान का अपने रोब का अपने अहदे का गलत फ़ायदा उठा करके दूसरों पर म करते हैं सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है अब्दुल्ला अबिन कहते हैं प्यारे नबी ने फरमाया फरमा जुल उमल क़ियामा क्यामत के दिन यह जुल्म अंधेरे का सबब होगा जब सारे लोग उजाले में होंगे ऐसे शख्स को अंधेरे में डाल दिया जाएगा और जिस कदर इंसान का जुल्म ज्यादा होगा उसी कदर उसके सामने अंधेरा ज्यादा होगा अंधेरा ज्यादा होने का मतलब यह है कि वह अल्लाह की रहमतों से दूर हो गया अंधेरा ज्यादा होने का मतलब यह है कि वह नाकाम हो गया अंधेरा ज्यादा होने का मतलब यह है कि उसका उसका खसारा ही खसारा हुआ तो वह जुल्म करने वाले क्यामत के दिन अंधेरे में होंगे इसी तरीके से बहुत सारे ओहदे और मनसब के लिए मरते हैं ओहदा और मनसब कोई अच्छी बात नहीं है मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेहदे और मनसब का लालच करने से मना किया है आपने एक सहाबी है गफ़ारी रजी अल्लाह की पीठ थपथपाया थप और कहा अबू जर तुम्हें अगर दो आदमियों पर भी कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तो उसको मत लेना इसलिए कि मैं तुमको कमज़ोर समझता हूँ जमात के जिम्मेदार सोसाइटी के जिम्मेदार शहर के जिम्मेदार इलाके के जिम्मेदार सूबे के जिम्मेदार मुल्क के जिम्मेदार हुक्मरानी करने वाले सोचें कि कयामत के दिन उनका अंजाम क्या होगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनके दोनों हाथ उनके गर्दनों पर बांध दिए जाएंगे अल्लाह अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कयामत के दिन उनके दोनों हाथ उनके गर्दनों पर बांध दिए जाएंगे और जिस तरीके से एक मुजरिम को सामने जज के सामने पेश किया जाता है ये ओहदे और मनसब वालों को उनके दोनों हाथ उनके गर्दनों पर बात करके एक मुजरिम की हैसियत से अल्लाह के सामने लाया जाएगा हमारे नबी ने फरमाया या तो उनकी नेकियां उनके हाथों को छोड़ा देंगी या तो उनका जुल्म उनको तबाह बर्बाद कर देगा ये और मनसब कोई अच्छी बात नहीं है अल्लाह के नबी ससरम फरमाया जो शख्स ओहदा और मनसब की ख्वाहिश करता है अल्लाह तला ओहदे और मनसब को उसके लिए जिल्लत और रसवाई का जरिया बना देता है लेकिन इंसान ने ख्वाहिश नहीं की लोगों ने उसको जबरदस्ती दे दिया प्यारे नबी ससरम फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से उसके लिए मदद होती है अगर आपने ओहदे की ख्वाहिश नहीं की और आपको मिल गया तो यह आपकी इज्जत के लिए इजाफे का सबब बन जाएगा और अल्लाह की मदद होगी इसलिए मेरे भाइयों ओहदे की ख्वाहिश ना करो आज पैसे दे दे करके लोग ओहदा चाहते हैं पैसा भी गया इज्जत भी गई और कल कयामत के दिन जिल्लत और भी होगी तो इस तरीके से जिम्मेदारों और अहलकारों को अल्लाह तबार को तला जलील करेगा जैसा कि मुसन अहमद की हदीस है सही मुस्लिम की हदीस है अबू सैद खुदरी रजी अल्लाह तु कहते हैं कि गद्दार आदमी गद्दार अपने औलाद से गद्दारी करने वाला माँ बाप से गद्दारी करने वाला मुल्क से गद्दारी करने वाला अपनी रियाया से गद्दारी करने वाला अपने दोस्तों से गद्दारी करने वाला गद्दारी गद्दार जिसको हम कहते हैं ये दुनिया में इंसान कितने गद्दार ऐसे हैं बेहि और बेशर्मी के साथ जी रहे हैं उनको उनको फर्क भी नहीं पड़ता क्यामत के दिन ऐसा मसला नहीं रहेगा प्यारे नबी वसल्लम फरमाते हैं उसकी सुरीन पर झंडा गाड़ दिया जाएगा मैदान मैशर में वो गद्दार आदमी जिसने लोगों के साथ गद्दारी की थी उसकी सुरीन पर झंडा गाड़ दिया जाएगा और तमाम लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये वो शख्स है जिसने अपने लोगों के साथ गद्दारी की थी मेरे भाइयों आज इंसान एक वादा करता मुकर जाता फिर वादा करता फिर मुकर जाता फिर वादा करता फिर मुकर जाता है ये गद्दारी क्यामत के दिन जिल्लत और रसवाई का सबब बनेगी इसी तरीके से सहीब ने हिब्बान की हदीस से हर तब हर रजी अल्लाह हदीस के रामी हैं बहुत सारे लोग समझते हैं दो शादी करेंगे तीन शादी के शरीय में इजाजत है अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया एक शादी करो दो करो तीन करो ज्यादा से ज्यादा चार शार चार शादियों शार शार की इजाजत है लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया फाइन खिफ तुम फवाहिदा अगर तुम्हें डर है कि अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही पर बस करो शरीयत ने इजाजत दी है लेकिन बहुत सारे लोग शौक में शादियां करते हैं बहुत सारे लोग लोगों को दिखाने के लिए शादियां कर तीन बीवियां हैं भाई चार बीवियां हैं चार बीवियों को संभाल रहा है यहां नहीं वहां मालूम पड़ेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ कैसा इंसाफ करते थे मरसुल मौत में जब आप चल नहीं सकते थे खड़े नहीं हो सकते थे दो सहाबा का सहारा लेकर के आप अपनी बीवियों की बारी पूरी करने जाते थे आप कहते थे कल मैं कहां रहूंगा मुताहरात ने जब आपको महसूस किया तो कहा के आप जहां रहना चाहते हैं हमें कोई एतराज नहीं है इतना ज्यादा इंसाफ करने वाला नानो नफका बराबर देने वाला बारियां पूरी करने वाला सबको बराबर का हिस्सा देने वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने रोते थे गिड़ाते थे कहते थे आए अल्लाह जो मेरे अख्तियार में है नानो नफका बराबर देना मैं सबको बराबर दे रहा हूँ घर सबको बराबर दिया हूँ बारियों पर मैं सबके यहाँ पहुँचता हूँ लेकिन आए अल्लाह मेरे दिल में अगर किसी की मोहब्बत ज़्यादा है तो इस पर मेरा अख्तियार नहीं है आए अल्लाह जो मेरे अख्तियार में है मैंने लोगों के दरमियान बराबरी की है और जिसमें मेरा अख्तियार नहीं है आए अल्लाह

जिस तरीके से इंसान के हाथ और पैर में फालिज पड़ जाता है और वो काम नहीं करता है गिर जाता है क़यामत के दिन अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ ना करने वाला ऐसे ही आएगा उस दिन की जिल्लत और रसवाई से बचने की फिक्र करो मेरे भाइयों शादियां ज़्यादा कर लेना बीवियां ज़्यादा रख लेना कोई कमाल नहीं है ज़िल्लत रसवाई से बचना कमाल है बहुत सारे लोग रुपया पैसा जब उनके पास आ जाता है तकबर ग घमंड किसी को खातिर में नहीं लाते हैं हम चुनी दी ग्रेन हमारे अलावा कोई नहीं है जो है हम ही हैं ऐसे बहुत सारे लोग समाज और माशरे में हैं मुतकबर किस्म के लोग मगरूर किस्म के लोग कोई अपने पैसे पर घमंड करता है कोई अपने ओहदे पर घमंड करता है कोई अपने खानदान और हसब नसब पर घमंड करता है कोई अपने और जमाल पर घमंड करता है कोई अपनी ताकत और कुवत पर घमंड करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन इस हाल में उनको लाया जाएगा जिस तरीके से चूंटियों का झुंड होता है अपने आप को बड़ा समझने वाला अल्लाह चूंटनियों की शक्ल में बना देगा चूंटियों को आदमी मसल देता है ऐसे मगरूर लोग मुतकबर लोग अल्लाह ताला महेशर के मैदान में चूटियों की शक्ल में इंसान शक्ल इंसान की रहेगी लेकिन हैसियत चूटी की रहेगी गुरूर किस बात का घमंड किस बात का हदीसी कुदसी है अल्लाह तरमाया अल्किबरिया और, और तकबर करना मेरी चादर है गुरूर और तकबर सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है किसी इंसान के लिए गुरूर और तकबर करना जायज नहीं है हमारे पास है क्या एक हकीर नुतफे से पैदा होने वाला इंसान गुरूर और तकबर करे जवानी आज है कल चली जाएगी पैसा आज है कल चला जाएगा उहदा आज है कल चला जाएगा गुरूर किस बात का फिर ने नेरूर किया अल्लाह ने गर्क कर दिया कारूर ने गुरूर किया अल्लाह ने जमीन में फंसा दिया नमरूद ने गुर किया अल्लाह तबार ने उसको हिला को बर्बाद कर दिया हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है गुरूर और तकबर करने वालों को अल्लाह तला चूटियों की शक्ल में हाजिर करेगा इसी तरीके से बाज लोग अपनी ताकत का फायदा उठा करके किसी को कत्ल कर देते हैं या कत्ल करवा देते हैं क्यामत के दिन एक मकतूल अपनी कतिल के पेशानी को पकड़कर और उसके सर से चिमटा हुआ अल्लाह के सामने हाजिर होगा अल्लाह के रसूल ससलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबाराक व तआला के सामने उसको घसीट कर लायाएगा और कहेगा ऐ अल्लाह इससे पूछ इसने मुझे क्यों कत्ल किया था वो जमाना था एक आदमी एक आदमी को कत्ल करता था सामने मुकाबला होता था आज बम के जरिए से हजारों लोगों को कत्ल कर दिया जाता है कयामत के दिन उनका अंजाम क्या होगा एक मखदूल अपने कातिल के सर को पकड़ कर आएगा कहेगा अल्लाह मुझे आज इंसाफ चाहिए अल्लाह उसके साथ इंसाफ करेगा मेरे भाइयों सूद खाने वाले ब्याज खाने वाले सूदी लेन देन करने वाले कयामत के दिन इनका हाल क्या होगा जैसे इंसान बावला हो जाता है हमारे दरमियान कोई आए बावला जिसका दिमाग जिसकी अक्ल काम न करती हो ऐसे बावले की तरह आएंगे अल्लाह ने फरमाया या याकलोन रिबा जो लोग सूद खाते हैं सूद खाना सूद खिलाना सूद देना सूद लेना सूदी कारोबार करना सूद पर गवाह कर गवाह बनना सूद के मामले में जितने लोग हैं कुल्लुम सवा गुनाह में सब बराबर हैं अल्लादीन या कुलून रिबा जो लोग सूद खाते हैं ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल्लादी या तखबत हु शैतान मिनल मस महशर के मैदान में ऐसे खड़े होंगे जैसे शैतान ने उनको छू कर बना दिया हो बाउला मुंह से लार टपक रहा है गर्दन झुकी हुई है दिमाग काम नहीं कर रहा है बाउला सूदी कारोबार करने वाले सूदी लेन देन करने वाले सूद खाने वाले सूद खिलाने वाले थोड़ा हो या ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने देखा कि एक एक खून का दरिया है और उसमें एक आदमी तैर रहा है जब वो दरिया के किनारे पहुंचने की कोशिश करता है दरिया पर बैठा हुआ एक शख्स एक पत्थर मारता है वो फिर दरिया के अंदर वापस चला जाता है उसी खून में तैरता रहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है आपको बताया गया कि ये सूद खौर है जो दरिया खून के दरिया से बाहर नहीं निकल पाता सूदी कारोबार करना सूदी लेन देन करना हराम है इसी तरीके से अब्दुल्ला इबिन अमर बिना सजी अल्लाह कहते हैं कयामत के दिन बेनमाजियों का अंजाम कारून के साथ होगा फिरा के साथ होगा हामान के साथ होगा ओब इबन खलफ के साथ होगा पांच वक्त की नमाज फ़र्ज है हर मुसलमान को पांच वक्त की नमाज पढ़ना है जुम्मे की नमाज पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होता है सुन लो जुमा की नमाज़ पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होता है ईद की नमाज पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होता है मुसलमान बनने के लिए पंज वक्ता नमाजों का अहतमाम करना जरूरी है अगर कोई पंज वक्ता नमाजों का अहतमाम नहीं करता है क्यामत के दिन उसका अंजाम कारून के साथ होगा हामान के साथ होगा ओब इबन खलफ के साथ होगा फिराउन के साथ होगा और ये लोग कौन लोग हैं ये अल्लाह के दुश्मन हैं अल्लाह के दुश्मनों के साथ बेनमाजियों को रखा जाएगा मेरे भाइयों उस दिन की जिल्लत और से अपने आप को बचाने की कोशिश करो अल्लाह ताला ने किसी को माल दिया है उसके पास माल है अल्लाह का हुक्म है अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के बंदों पर खर्च किया किया जाए जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के बंदों पर खर्च नहीं करते हैं अल्लाह तबारक तआला उनको खसारे में डाल देगा वही माल उनके लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बनेगा अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के बंदों पर खर्च करो ये अल्लाह तबारक तआला का हुक्म है इसी तरह बास लोगों की आदत है ख्वाब देखते नहीं ख्वाब बताना ये ख्वाबों का सिलसिला बड़ा टेढ़ा चल रहा है औरतों में भी मर्दों में भी प्यारे नबी सासर ने फरमाया किसी ने कोई ख्वाब नहीं देखा है लेकिन फिर भी वो बताया कि मैंने ये ख्वाब देखा है कयामत के दिन अल्लाह ताला दो जौ के दरमियान गिरह लगाने का हुक्म देगा जौ समझते हैं गेहूं है नहीं गेहूं से पतला बारीक जौ होता है जौ में दो जौ में ग्रह लगाने का हुक्म देगा अल्लाह ये नामुमकिन होगा इसी तरीके से मेरे भाइयों तीन किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह तबारक वाली तवज्जो नहीं करेगा वो कौन लोग होंगे अलमुशबिल अपने इजार को टखनों से नीचे रखने वाला वलमनान एहसान करके जताने वाला वलमनफिको सिलात बिलहल फिलकाब अपनी अपने माल को झूठी कसम खा करके बेचने वाला ऐसे लोग जलीलुख़ार हों अभी और बहुत सारे लोग हैं जो क़यामत के दिन जलीलुखार होंगे मैं इतनी ही परबस करता हूँ क्योंकि जुमा का वक्त इस बात का मुतहमल नहीं होता है कि बात को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रबालमीन हम तमाम को क़यामत की उसत और रसवाई उस से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कल कयामत के दिन जब अवलिन और आखरीन का इज्तम होगा अयल् हम सब को हम सब को इज़्ज़त और कामरानी नसीब फ़रमा मौला अयल्ला हमारे नाम आमाल हमारे हाथों में हमारे जहने हाथ में दे मौला अयल्ला उस दिन की ज़िल्लत से रसवाई से हमें हमारे बच्चों को हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा मौला अल्लाह जब तक दुनिया मेरा इस्लाम पर क़ायम रख खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रबना तकबल मिन्ना इन न कांत समय अलीम व तुबालना इन न कांतः तवाबरहीम बहमति का या अरहमर राहम नाम